बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी जॉक फूड। आज हम बना रहे हैं चटपटे मज़ेदार से आलू के कटलेट्स। आलू के कटलेट्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और हम कैसे बनाएंगे, तो चलें शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हमने यहाँ लिए हैं 1.5 किलो आलू। आलूओं को अच्छी तरह से धो के हमने यहाँ रख लिया है। अब हम एक देगची में आलू डालेंगे। देगची में सारे आलू डाल देते हैं। पहले से हमने वॉश कर लिया है अच्छी तरह आलू को। अब हम इसमें डालेंगे वाफर मकदार में पानी बॉईल होने के लिए, ताकि आलू उसमें डूब जाएं। और हम देखें, हमने अच्छा खासा पानी इसमें डाल दिया है, तकरीबन 3 से 4 लीटर। आलू इस तरह से पानी में भीगे हुए होने चाहिए। जितने अच्छे पानी में डूबेंगे आलू, उतने ही अच्छे बॉईल होंगे। तो चलें, अब हम इन्हें आलूओं को चूल्हे पे रखते हैं और बॉईल करके दिखाते हैं आपको। चलें चेक करते हैं। फ्लेम स्लो कर देंगे, आलू चेक करेंगे। देखें कितने ज़बरदस्त से आलू गल गए हैं। आधा घंटा लगा हमें आलू को बॉईल करने के लिए। अब हम इसे स्ट्रेन आउट करेंगे। आलू पानी से निकाल लिए और इस पर 1 से 2 मिनट के लिए हमने ठंडे पानी में डाला, ताकि इसका टेम्परेचर कुछ कम हो जाए। अब हम आलूओं को छील लेते हैं। अभी भी आलू गर्म है, एहतियात से छीलेंगे। देखें, आलू सारे छील लिए हमने, ये बस लास्ट है। ये भी छील लेंगे आराम से, देखें, और ये लास्ट हो गया। ये देखें, तमाम आलू छील लिए हमने। अब हम आलूओं को मैश करेंगे। आलू बहुत गर्म है, एहतियात से करेंगे। आलूओं को मैश कर लिया है, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। देखिए, मसाले में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ जीरा, 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून गरम मसाला। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये 4 छोटी हरी मिर्चें, मैंने काट के रखी हैं, ये डाल देंगे। काफ़ी तेज़ होती हैं तो कम डालेंगे। 2 टेबलस्पून लेमन जूस, ये 1/4 कप यानी 4 टेबलस्पून मेरे पास हरी प्याज है, जिसका मैंने फर्स्ट सेकंड बोथ पार्ट लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून धनिया, 3 टेबलस्पून पुदीना। चलिए, ग्लव्स पहन लेंगे और अच्छे से इसे करेंगे मिक्स। भुने कुटे जीरे की और धनिया की इतनी मज़ेदार हरी मिर्चों के साथ खुशबू आ रही है, माशाल्लाह। देखें, आलू हमने सख्त उबाले थे और इसमें कोई पानी का हमने अंतर शामिल नहीं किया है, तो माशाल्लाह से ये बहुत थिक है, ये देखें। अब लेकिन मैं इसमें शामिल करूँगी, तकरीबन मैंने यहाँ लिया है 4 टेबलस्पून चावल का आटा। मैं कम शामिल करूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून, और फिर मिक्स करूँगी। देखूँगी कि ज़रूरत है तो मैं और मज़ीद शामिल करूँगी, नहीं ज़रूरत हुई तो हम सिर्फ 2 टेबलस्पून डालेंगे। देखें, एज़ रिक्वायर्ड मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसमें चावल का आटा मज़ीद शामिल करेंगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो हम शामिल नहीं करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी सी ज़रूरत महसूस हो रही है, तो मैं मज़ीद 1 टेबलस्पून और शामिल करूँगी। ये 3 टेबलस्पून मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, ये भी डाल दूंगी इसमें। देखें कितना ज़बरदस्त सा मिक्स हो गया है और कितना अच्छा सा हो गया ये, देखें। अब हम इसके कबाब बनाते हैं। चलें, थोड़ा थोड़ा सा अमेजा लेंगे और अच्छे से कटलेट्स बनाएंगे। इक्वल रखेंगे साइड्स हम, इसी तरह से और लेंगे। ये देखें, बनाते जाएंगे।
और रखते जाएंगे। इसी तरह से हम और बनाएंगे। ये भी रख लेंगे। इसी तरह से तमाम कटलेट्स बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। इस बना के रख लिए हैं, अब फ्राइंग की तरफ आते हैं। फ्राइंग के लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक बोल। बोल में मैं डालूंगी 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। शामिल करेंगे हम 2 से 3 टेबलस्पून के करीब पानी और इसका एक मिक्सचर बनाएंगे। अच्छे से इसको घोल लेंगे। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। बैटर तैयार हो गया है, तो चलें आप फ्राई करते हैं। फ्राइंग के लिए मैंने लिया है तवा। तवे पे हम डालेंगे ऑयल। हम शैलो फ्राई करेंगे। फ्लेम कर देंगे मीडियम हाई ताकि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। चलें आप फ्राई करेंगे। अब फ्राई करने के लिए हम डालेंगे कबाब को इस मिक्सचर में और इसे एहतियात से उठाकर यहाँ रखेंगे फ्राइंग के लिए। इसी तरह से दूसरा भी लेंगे। एहतियात से डालते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये लास्ट भी डाल देंगे और फ्राई करते हैं इसे अच्छे से। जब तक एक साइड पे कलर नहीं आता तब तक हम नहीं पलटेंगे। एक साइड को आराम से स्लोली स्लो फ्लेम पर फ्राई करते हैं। चलिए चेक करते हैं। ये देखें एक साइड से कितना अच्छा सा कलर आ गया है। कबाब की साइड चेंज कर लेंगे। एक साइड से कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी फ्राई करते हैं और मिलते हैं आपसे। देखें फ्राई हो गए हैं बोथ साइड से। ये देखें कितना बेहतरीन सा कलर आ गया है। इसी तरह हम निकाल लेंगे। फ्लेम कर देंगे ऑफ और डिश आउट करेंगे और आपको दिखाते हैं डिश आउट करते हैं तो। मज़ेदार आलू की कटलेट्स स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में तैयार हैं। हमारे तरीके से बनाइए। हमारी हौसला अफजाई कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और शेयर करना मत भूलिए। एक नई आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।